यस स्टार्ट करते हैं निमसेट 2015 पेपर का सॉल्यूशन। अब देखिए इस पेपर को सॉल्व करते समय मैं एक चीज बता दूं आपको, बिल्कुल क्लियर रहिए कि पहले सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत प्रॉपर होना चाहिए कि 1, 2, 3 क्या है। तो आप लोग सबसे पहले याद रखिए पेपर की एक स्कैनिंग करिए, स्कैनिंग करते समय दो तरह के टाइप, तीन तरह के टाइप मिलेंगे। एक वो जिनका डायरेक्ट आंसर लर्न हो आपको मे बी, उसको उसी समय मार्क कर दीजिए, सेकेंड वन और फिर लिखिए टू, यानी टू मतलब सबसे बाद में। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर में, हम कोई भी निमसेट का पेपर लें तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतना टाइम लगा सकते हैं कि हो सकता है आप फिर रीजनिंग तक मूव ही ना कर पाए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट वन आर मैथ्स, नेक्स्ट वन आर रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश पे मूव करेंगे, और बचे हुए टाइम में वापस जब आप वापस आएंगे तो फिर से आपको मैथ्स के जो सेकंड राउंड के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो इसलिए बहुत प्रॉपर आपको सिलेक्शंस करने पड़ेंगे। मैं भी आपको उसी ऑर्डर में पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और एक चीज और आप नोटिस करना कि जो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा उसका सॉल्व का जो शॉर्टकट आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल पाएगा या आपको समझ में आएगा अगर आपने फाउंडेशन कोर्स से पढ़ा हुआ है जो आपके पास ऑलरेडी है, उस फाउंडेशन कोर्स के रिलेटेड टॉपिक का अगर आप वीडियो देख के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको टेक्निक समझ में आएंगी। और ट्राई ये करना है कि कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, गो फॉर डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन। इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं करेगा, पर हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर मैच नहीं करते। जैसे सेकंड क्वेश्चन है इफ 0 to π एंड, अब देखिए मैं केवल समझाने के लिए भी लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन भी नहीं लिखूंगा, नंबर बोलता हुआ चलूंगा, cos x + sin x = 1/2 देन द वैल्यू ऑफ 10x, सीधा इसका स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 + sin 2x = आपको मिलेगा 1/4, राइट, देयरफॉर sin 2x = मिला आपको 1 - 1/4 यानी -3/4। इसको डायरेक्टली आपसे 10x पूछा है, अगर 10x पूछा है तो आप इसे 10 में कन्वर्ट कर लें, यानी 2 tan x upon 1 minus tan square x इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4, तो ये हो जाएगा 8 tan x इक्वल टू -3 + 3 tan square x, यानी फाइनली आपको कुछ इक्वेशन ऐसी मिली 3 tan square x - 8 tan x - 3 = 0, इसको भी आपने ट्रांसफर कर दिया। अब इसको अगर आप फॉर्मूले मेथड से सॉल्व, फैक्टर बनेंगे नहीं, 9 आएगा नहीं, क्योंकि -9 चाहिए तो इसके काम कर सकते हो, 3 tan x - 9 tan x + tan x - 3 = 0, राइट। अब ध्यान ये रखना आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है, साइन 2x है यहाँ पर तो ये माइनस मत रखना, ये एक पॉसिबल मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा प्लस, ऐसी छोटी छोटी चीजों में कई बार मिस्टेक होती है। अब प्लस आने से क्या होगा कि ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये एक पॉसिबल मिस्टेक थी जिस पे ध्यान देना है। अब क्या आ गया, देखिए 3 tan square x + 8 tan x + 3 = 0, अब इसके फैक्टर प्लस 9 नहीं बनेंगे, अगर आपने वो मिस्टेक करी होती तो आपको फैक्टर मिल जाते। अब आप इसे अगर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो -b + -b² - 36 बाय 2 × 3, यह आया -8 + -28 मतलब 2√7 बाय 2 × 3, 6 2 कैंसिल कर दो तो -4 + -√7 बाय 3। अगर ध्यान दें तो अब आपके पास दो ये आंसर आ गए, अब ऐसा कोई आंसर आपके पास ऑप्शन में नहीं है, अब आप इसको 2 टाइम ना करें, इमीडिएटली एक्शन लें और आगे बढ़ जाएं। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान ये रखिए एक जो मिस्टेक हो सकती थी वो मैंने बताया, कई बार साइन 2x में हम माइनस लिख देते हैं, याद रखिए टेन 2x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan x upon 1 minus tan square x, साइन और कॉस में दोनों में प्लस होता है, इसलिए मैंने ये लिखा कि ये अगर आपने कर दोगे तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे। इससे भी खैर आंसर नहीं मिलता, वैसे भी गलत था, तो आपको राइट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आए तो 3 जो है वो स्कैनिंग में आप पहले राउंड में कर लेंगे, क्योंकि आपको बोला है ए बी सी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टासेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी क्या दिए हैं, ट्राइंगल के वर्टासेज दिए हुए हैं। अगर ए बी सी ट्राइंगल के वर्टासेज दिए हुए हैं इसका मतलब ये हुआ लाइक दिस, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी और ये सी। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करिए, आप डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ, जो भी वर्टेक्स लें तो
ये याद करा हुआ क्वेश्चन है तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, ए बी क्रॉस ए सी, या आप बोलेंगे हाफ बी सी क्रॉस बी ए, या आप बोलेंगे हाफ सी ए क्रॉस सी बी, मतलब एक ही वर्टेक्स लेंगे और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये रिजल्ट निकल के आता है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये मेंटल राउंड वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फोर्थ फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स दिस इक्वल टू दिया है फाइव एक्स, देन द वैल्यू ऑफ, अब देखो आपसे वैल्यू पूछिए ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स की, राइट right? तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, ई पावर एक्स एफ एक्स अगर आप देखें तो वो क्या होगा, फाइव एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स, यस और नो? स्टेप कम से कम लिखना है, ये पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, क्वेश्चन हमेशा जल्दी होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाई पार्ट लगेगा और इसको हमेशा आप लीजिएगा सेकंड, इसको फर्स्ट, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे फाइव एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ एक्स माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, तो ये मिलेगा ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस इज कॉल्ड आई, ये भी आई है, आई मान लीजिए तो ये टू आई हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो वन बाय टू, आपको आंसर भी इसी फॉर्म में दिया, फाइव एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ एक्स, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या क्वेश्चन है, इफ थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस के इक्वल टू जीरो इज अ टेंजेंट टू हाइपरबोला, क्या हाइपरबोला? आप देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको टाइम सेव करना है तो आपकी पहली स्टेप क्या होगी वो बताता हूँ, देन द वैल्यू ऑफ के, सीधा ये इक्वेशन पढ़ो तो इसको इस फॉर्म में लिखो, माइनस थ्री बाय फोर एक्स माइनस के बाय फोर, एंड हाइपरबोला डायरेक्टली लिखिए एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन इक्वल टू वन। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वाई इक्वल टू अगर एम एक्स प्लस सी दिया है और हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन हो तो कंडीशन होती है सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डायरेक्टली अगर करूँ तो सी इज माइनस के बाय फोर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर सिक्सटीन इन टू के नाइन बाय सिक्सटीन माइनस बी स्क्वायर मीन्स नाइन, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो के का वैल्यू आ गया जीरो, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइन से सिंपल क्वेश्चन है, जो थोड़ा लेंदी है उनको सेकंड राउंड में करिए, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, अब आपको मैंने याद है थ्योरी में पढ़ा हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा ऑप्शन से करो पहले क्रॉस चेक, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू फॉर्म ऑफ फोर अपॉन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। अब एक चीज समझिएगा कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे आपको ऑप्शन दिए हैं वन बाय टू थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू थ्री बाय टू फोर बाय थ्री वन बाय टू और फोर बाय थ्री माइनस वन बाय टू, क्या करेंगे? तो सिंपल, जैसे आपने ये रखा तो देख के समझ में आ रहा है दिस प्लस दिस वन नहीं होगा, फोर बाय टू टू ये खत्म, माइनस वन प्लस टू टू ये हो रहा है, इसको रख के देखिए ये भी नहीं हो रहा है, इसको रखा ये भी नहीं हो रहा है, तो एक ही करेक्ट है, दिस इज द राइट आंसर। तो आपके पास हर तरह की टेक्निक्स होना चाहिए और वो टेक्निक्स केवल पेपर सॉल्यूशन से नहीं आएंगी, वो आएगी स्ट्रांग फाउंडेशन पढ़ने से, जो आपके पास है आप उससे पढ़िए पहले, जो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, पहले उससे पढ़िए उन टॉपिक्स को, जैसे कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट जिसका क्वेश्चन, फिर देखेंगे आप तो आपके क्वेश्चंस बहुत क्विकली सॉल्व होंगे। अब देखिए मेथड से करना होता तो ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है एक्स माइनस वाई इक्वल टू के पासिंग थ्रू टू फोर, तो के मिलता माइनस टू यानी एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे ही हम बोलेंगे, उसे ही हम देखिए वाई से वाई कैंसिल एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन बाय टू, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो माइनस वन बाय टू प्लस टू दिस इज थ्री बाय टू, देखिए अपने आप करेक्ट आंसर आ गया, बट हमें टाइम भी सेव करते हुए चलना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, क्या बोला है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन के माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है एट एक्स कंडीशन में करे हुए इस तरह से हैज बोथ
रियल डिस्टेंट एंड नेगेटिव रूट, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब ट्रिक देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करने को बोलूँ तो आप बोलते 8/(k-2)। अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ, ऑप्शन ए है 0, माइनस बी होता है, बी है 2, सी है 3, डी है -4। अगर नोटिस करें, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव, 0 रिजेक्ट, 2 रख नहीं सकते, खत्म। 3 रखा तो 3 पे ये नेगेटिव मिलेगा, यही होगा, -4 पे फिर नेगेटिव मिलेगा, ये भी नहीं होगा। यानी आप अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो देखो आप कितने स्पीडली क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या है। क्वेश्चन नंबर 9th जरा ध्यान दें। इफ फेयर डाइज इज रोल्ड सक्सेसिवली देन द प्रोबेबिलिटी दैट वन अपीयर इन इवन नंबर ऑफ थ्रो। एक फेयर डाइज को आप थ्रो कर रहे हैं और बोला है कि इवन नंबर जो है वो, सॉरी, वन जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम आए, मतलब या तो सेकंड टाइम में आए, या फोर्थ टाइम में आए, या सिक्स टाइम में आए, या एट टाइम में। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम में डाइस में क्या नहीं आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, वन नहीं आना चाहिए, तो इनमें से कोई एक 5/6, सेकंड में वन आ गया 1/6, मतलब वन जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम आए, या फिर हो सकता है फर्स्ट में ना आया हो, सेकेंड में भी ना आया हो, थर्ड में भी नहीं आया, फोर्थ में आ गया, लाइक दिस। क्या करेंगे, सिंपल, एस इन्फिनिटी इज ए अपॉन 1-r, देन 5/36/1-25/36, देन 5/11 इज अ राइट आंसर, राइट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए 10th क्वेश्चन वेक्टर का है, लेंथी क्वेश्चन है, सेकंड राउंड में करेंगे, मैं आपको पूरा पेपर करवाऊंगा। अब हम आते हैं 11th पे। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है, 11th है -π/3 से π/3 x sin x अपॉन cos² x dx। सिंपल है, पहले तो अगर ध्यान दें तो ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड, दोनों ऑड से इवन हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 0 2π/3, क्योंकि इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी x (tan x sec x), यस और नो, राइट? आपने सबसे पहले -a2+a प्रॉपर्टी लगाई। अब ये है 0 to π/3, ये आप बाय पार्ट से कर सकते हैं, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, क्या हो जाएगा बोलिए, 2 × 1 × sec x, तो sec x का क्या हो जाएगा, 10x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का 1। अब 10x का फिर करेंगे, अब आपको, सॉरी, यहां पर मिलेगा sec x माइनस, अब जब आप इसका करेंगे sec x का, तो क्या हो जाएगा, log 10π/4 + x/2, राइट? अब आपको गिवन है 0 to π/3, रखिए π/3, तो 2 × π/3 sec π/3 2, तो 2π/3 माइनस log 10, ये है 45, ये है 60, राइट? ये है 45, ये है 60, तो कितना जाएगा, 105। अब आप देखो ध्यान से, तो आपको 105 डायरेक्टली दिया हुआ है, यानी आपको केवल इतना सा करना है कि π/4 में π/3 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 7π/12, तो यहाँ पर कितना जाएगा, log 10, अच्छा यहाँ पर x और है तो π/2 होगा, तो ये π/6 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो ये जाएगा 3+2, यानी 10 5π/12, राइट? अब इसी फॉर्मेट में आंसर दिया तो यही ले लीजिए, 4π/3 -2 log 10 5π/12, राइट? अब इसमें दो प्रॉपर्टी लगी, पहली 0 to 2a वाली, वो -a to +a वाली, एंड देन y पार्ट लगा, और y पार्ट में पहले पूरा इंटीग्रेशन। अब देखो, जब 0 रखोगे तो क्या होगा, ये 0, और जब यहां 0 रखोगे तो ये होगा 0 10π/4 1 log 1 0, इसलिए ओवरऑल सेकंड रिजल्ट 0 आएगा। तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए, कई मिस्टेक नहीं होगी, कहीं हो भी रही हो तो आपको पकड़ना है। जैसे जब यहां रख रहा था मैं, तो x की जगह रखेंगे π/3, तो π/6 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हुए चलिए, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।